बड़ी चुनौती की सामना मैंने जिंदगी में किया है और इस चुनौती का भी हमारे अपने विधायकों के सहयोग से और बिहार की जनता के आशीर्वाद से सभी चुनौतियों का सामना राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के विधायक भी करेंगे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के लिए मैंने नामांकन सचिव के सामने मैंने किया है और नॉमिनेशन के समय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और अन्य वामपंथी दलों के सभी नेता, कांग्रेस के नेता, माननीय सभी विधायक उपस्थित थे। उन तमाम लोगों के उपस्थिति में मैंने अपना अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन किया। आगे आगे देखिए क्या होता है। कितनी बड़ी चुनौती आगे आगे देखने को मिली विजय सिन्हा के दौरान, कार्यकाल के दौरान वो नहीं रिपीट होगी, ये इंश्योर करते हैं। मैं गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हूँ और मैं समाजवादी पाठशाला में हमारी पढ़ाई हुई है और जो जैसा करेगा उसके गुणों की चर्चा जब तक धरती और आकाश रहेगा रहेगा। मैं उस तरह के कोई आचरण न आज तक किया हूँ ना अध्यक्ष बनने के बाद करूँगा। मैं भूमिका में ज़्यादा नहीं रहूँगा, मैं कार्य में विश्वास करता हूँ और नियमानुसार अपने दायित्वों के निर्वहन बिहार के जनता के हित के लिए और माननीय सदस्यों के समस्याओं के निदान के लिए विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली के तहत मैं उसका निष्पादन करूंगा। बड़ी चुनौती की सामना मैंने जिंदगी में किया है और इस चुनौती का भी हमारे अपने विधायकों के सहयोग से और बिहार की जनता के आशीर्वाद से सभी चुनौतियों का सामना राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के विधायक भी करेंगे और तमाम विधानसभा के सभी जो दल के साथी हैं उनसे मैं चाहूँगा कि मिलजुल करके आइए, खूबसूरत और सुंदर बिहार बनाया जाए और समस्याओं का जनहित में निदान किया जाए और सारे लोग एक होकर के विधानसभा और संविधान के रक्षा, बिहार के विकास के लिए हम तमाम लोग मिलजुल। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।